उत्तर प्रदेश के हरदोई में रोडवेज की सरकारी बस के नाम पर एक निजी बस संचालित की जा रही थी, जिसमें दिल्ली से हरदोई जाने वाले यात्रियों से मनमाफिक किराया वसूला जा रहा था। लेकिन एक जागरूक यात्री ने मामले की शिकायत परिवहन विभाग से की, जिसके बाद हरकत में आई विभाग की टीम ने बस को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। हरदोई जनपद के सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि एक रोडवेज की सरकारी बस के नाम से एक प्राइवेट बस चल रही है, जो यात्रियों को ठगने के साथ में सरकार को भी चूना लगा रही है। जिसके बाद हरकत में आए अधिकारियों ने छापेमारी कर बस और ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू करी। आनंद विहार से चलकर हरदोई आने वाली एक बस, जो कि रोडवेज की सरकारी बस जैसे दिखने में लग रही थी, जिस कारण ड्राइवर और परिचालक ने यात्रियों से झूठ बोलकर दिल्ली से हरदोई के 500 रुपए के हिसाब से सीटों से अधिक यात्रियों को गाड़ी में भर लिया। सुबह जब गाड़ी शाहबाद पहुंची तो ड्राइवर ने यात्रियों को बताया कि बस खराब हो गई है, इसके आगे नहीं जा पाएगी, जिसके चलते गाड़ी में बैठे जहांगीर नाम के यात्री ने ड्राइवर वाली सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और बस को सीधे हरदोई रोडवेज बस स्टैंड ले आया, जहां उसने परिवहन निगम के अधिकारियों को सूचना दे दी। आनंद विहार बस स्टेशन पर इनकी बस में बैठा, घुसते सार उन्होंने टिकट ले लिया, मेरे 500 रुपए का टिकट है, उस पर कुछ नहीं लिखा इन्होंने। मैं कहा इस पर लिखे थे 2-500, कहते नहीं हमने अपने पेन चला दिया, बता हमने अपनी भाषा में लिख दिया। मैं कहा आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, कहाँ की भाषा है भाई, इंडिया की तो भाषा है नहीं, को तुम ही पढ़ना, मुझे मैंने 500 दिया, मुझे भी समझ आनी चाहिए। अच्छा, ये बस पकड़वाने में क्या सहयोग किया है आप लोगों ने? इन्होंने आके शाहबाद में बस बंद कर दी, एक आदमी उतर के इन्होंने CNG का स्विच बंद कर दिया और इन्होंने स्विच आगे से इंजन के पास स्विच लगा होता जहाँ पर चाबी लगती, बंद कर दिया, कहते गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इनके दो आदमी उतर गए, कहते हम करते हैं करते हैं करते हैं, आधा घंटा इन पे शक हुआ कि मुझे लगता है स्विच बंद किया। फिर एक आदमी और पैसेंजर था, उसने कहा पिछले हफ्ते उन्होंने किया था कि गाड़ी यहाँ से आगे नहीं गई थी, बाद में ले गई थी। ARM RB यादव और ARTO दीपक शाह ने गाड़ी को सींच कर ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि बस का कलर उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरह होने से यात्री इनके झांसे में आ जाते थे। एक बस पकड़ी गई है जो दिल्ली से लेकर और आगे भी संभवतः हरदोई से आगे भी जाने का प्रयास कर रही होगी लखनऊ की तरफ, इसे पकड़ा गया है। रंग मिलता जुलता है, इसलिए लोगों को असमंजस की स्थिति होती है और ये दिल्ली से हरदोई का किराया 500 रुपये प्रति यात्री इन लोगों ने लिया है और ये किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है। इन्हें रोडवेज का अपना वो है, ये इन्हें अपना परमिट लेना चाहिए या रोडवेज से अनुबंध कराना चाहिए। तो ये किस कलर का है और क्या पूरी जो अभी तक आप लोगों ने जाँच की उसमें क्या पाया है? पूरी जाँच में ये पाया गया कि रोडवेज का जो कलर प्रायः पहले जो चलता आ रहा था, रेड कलर और येलो कलर वाइट कलर, उससे मिलता जुलता बिल्कुल ये कलर है। जो चीज़ें लिखी गई हैं इसके ऊपर वो भी बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है कि रोडवेज की ही बस है। सवारियां तो इसमें 49 सीटर है, अभी रिकॉर्ड में मैंने दिखवाया 49 सीटर निकली है, लेकिन इसमें सीटें 49 नहीं बल्कि 50 से भी ज़्यादा हैं, 55 के करीब होंगी और यात्री पूरे फुल थे इसमें, जो बीच में भी उतर गए, शाहबाद उतर गए, रास्ते में उतर गए, बाकी आए हैं उसमें से कुछ यात्रियों के बयान मैंने लिए हैं और उसमें से चालक का भी बयान ले लिया है और इसका लाइसेंस भी ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई जो है ARTO को तुरंत जो है फ़ोन किया गया है, PTO ARTO को, और वो आ रहे हैं, अगली कार्रवाई जो है वो ARTO PTO के द्वारा संपादित की जाएगी। फिलहाल एक जागरूक नागरिक की वजह से निजी बस संचालक का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ही इसके लिए जिम्मेदार है, जो दफ्तर से बाहर निकलकर कभी चेकिंग नहीं करता है। INC 24 न्यूज के लिए UP हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।